तो गाइस जैसे कि आपने जो है पिछली वीडियो में मेरा देखा था, उसमें जो है हमने बनाया था एक प्रोजेक्ट जो कि क्लैप से जो है चलता था। उसमें जो है हम बल्ब लगा सकते हैं, कोई फैन लगा सकते हैं। तो उसमें जो है उस वीडियो में मेरे पास यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमें जो है आप कहाँ से कंपोनेंट खरीदते हैं वो बताइए, और ये भी बताइए कि आप कितने के कहाँ से लाते हैं और किस तरह से कंपोनेंट को खरीदते हैं। तो गाइज आज जो है हम मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ कंपोनेंट लेके आया हूँ इस पन्नी में, ठीक है। सभी मैं इसमें जो है आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं जो है कहाँ से लेके आता हूँ, कितने प्राइस होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, कम तो नहीं होते, ठीक है। चलिए मैं ओपन करता हूँ इसको जल्दी से और आपको जो है वन बाय वन करके जल्दी जल्दी चीज़ें इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइज मैंने जो है छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, तो कम ही कंपोनेंट लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये जो ये एक पीसीबी का बोर्ड लेके आया था, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है आपको इसमें दिखाया था कि पीसीबी को किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से आप जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है हमारा एक पीसीबी का टुकड़ा था। आप जो है किसी भी साइज में लेकर आ सकते हैं, बड़ा लेकर आ सकते हैं, छोटा लेकर आ सकते हैं। ये मुझे ओनली 10 रुपए का पड़ा था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए इसको इधर रखता हूँ और सिंपल उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं ये जो है एलईडी लेकर आया था जो कि मल्टी कलर की एलईडी है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये गाइज मेरे इस पे जो है ये है 500 पीस, ठीक है, और वैसे 1000 पीस का जो है पैकेट मिलता है, ये मिलता है आपको 450 रुपये का, ठीक है, पर ये जो है मुझे पड़ा है 300 रुपये का, क्योंकि मैं जो है इसको आधा करवा के लेके आया था, तो उसने बोला था कि भाई हम जो है इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे अगर आप इसको 10 या 15 खरीदते हैं तो आपको 1 रुपये का एक पीस मिलता है, तो आप इसलिए अगर आप डेली प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, कोई कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप जो है इसके पैकेट लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैं जो है इसको साइड में रखता हूँ और सिंपल उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया था एक यहाँ पे सोल्डरिंग वायर की डब्बी, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी लेके आया था। तो गाइज अगर आप इसको इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आप जो है इस वाले सोल्डर को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, भारती के नाम से आता है ये, ठीक है, और भारत द्वारा मैन्युफैक्चर है, काफ़ी बढ़िया है ये, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ सकते हैं, यूज़ करके देखा भी होगा आपने, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम चलता है इसका, कि जब भी आप कहीं सोल्डर लेने जाते हैं तो यही नाम चलता है भारती का, ठीक है। तो चलिए मैं अभी इसको इधर रखता हूँ और ये जो है आपको सेम ही रेट में मिल जाएगी, आपको 50 रुपये के करीब मिल जाती है आपको ये। और इसके जो है कितने ग्राम का है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये है फिलहाल एक मिनट, हाँ तो यहाँ है ये नीट वेट है इसका 50 ग्राम, ठीक है। तो ये जो है मेरी 50 रुपये की आई थी। चलिए उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे और क्या लेके आया था मैं, इसमें मैं लेके आया था ये सेंसर्स, जो कि अगला आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें मैंने जो है रिमोट से चलने वाला एक बल्ब बनाया है, ठीक है, वो जो है अगले प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसमें कुछ ट्रांजिस्टर भी हैं, वो तो नॉर्मली हैं BC547 के ट्रांजिस्टर हैं और यहाँ पे IR है, ठीक है। ये मुझे कितने के पड़े थे, ये मुझे ये जो सेंसर है ये मुझे 1 रुपये का एक पड़ा था, ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर है ये भी 1 रुपये का एक पड़ा है मुझे, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा लेते हैं, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो आपको जो है बहुत ही कम, मतलब कि आपको कुछ पैसों में, मतलब 30 पैसे 20 पैसे में आपको ये जो है ये कंपोनेंट पड़ जाते हैं, अगर आपको इस तरह से लेते हैं। अगर आप इसको वन बाय वन करके जिस तरह से मैंने इसमें लिए 5 पीस लिए 10 पीस लिए, तो आपको जो है 1 रुपये या 2 रुपये का एक पीस पड़ सकता है, ठीक है। चलिए मैं जो है इसको भी इधर रखता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको और क्या खरीदा मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लेके आया था, पोलराइट और नॉन पोलराइट दोनों ही लेके आया था, कुछ PFs भी हैं मेरे पास यहाँ पे, PF, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं PF भी है और यहाँ पे नॉन पोलराइट कैपेसिटर है और पोलराइज भी है, ठीक है। ये जो है ये मुझे एक पीस पड़ा था इसका 5 रुपये का, ठीक है, एक पीस मुझे 5 रुपये का पड़ा है और मैं 5 पीस यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है, 25 रुपये का ये था और यहाँ पे इसके भी 5 पीस थे, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको इसके भी 5 पीस थे, फिर ये 25 रुपये का ये भी था और ये जो है ये जो है ये हरे हरे से जो आपको दिख रही हैं ये भी मैं यहाँ पे लेके आया था, इसको ये मुझे पड़े थे 1 रुपये का एक, ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको खरीदा है। और चलिए दिखाता हूँ दूसरी चीज़ मैंने क्या खरीदे और एक मिनट, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इसमें जो है मेरे पास यहाँ पे ट्रैक भी है और यहाँ पे 7805 की IC जो बोला जाता है वो भी है और इसमें मिक्सअप है, मतलब कि उसने जो है सभी को एक पन्नी में डाल दिया था, क्योंकि जब भी मैं सर्किट बनाता हूँ तो मैं जो है यहाँ से कंपोनेंट की देख लेता हूँ कि कौन सा आखिर कंपोनेंट वैल्यू क्या है, उसके बाद ही मैं सर्किट में इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपको भी इस तरह से करना है। और अगर आप इसके पैकेट लेते हैं, और ये मुझे कितने का पड़ा, ये गाइस थोड़ा सा महंगा है, ये है 10 रुपये का एक, ठीक है। और गाइज वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में आ सकते हैं तो गाइज आप जो है इन कंपोनेंट्स को वहीं से ही खरीदें, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, आप नहीं आ सकते, तो गाइज आप जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन गाइज आपको कुछ ज़्यादा मिलता है, मतलब कि ये जो है अगर यहाँ पे 10 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 20 रुपये का भी मिल सकता है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पर ये जो है ऑनलाइन में हमेशा ये जो कंपोनेंट्स हैं वो महंगे मिलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है जितना हो सके आप दिल्ली की मार्केट से खरीद सकते हैं, लाजपत राय मार्केट बोल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो है खरीद लिया, ये है एक पीस 10 रुपये का और ये मैंने पता नहीं कितने खरीदे, मैं भूल गया,
तो उसके बाद मैंने ये खरीदा है। ये क्या है चलिए दिखाता हूँ आपको। ये है मेरे पास डायोड्स, ठीक है। इसमें जनरल डायोड भी है और ट्रायक भी है, डायक सॉरी ट्रायक नहीं है, डायक है मेरे पास यहाँ पे, देख सकते हैं डायक, और यहाँ पे जेनर भी है, और यहाँ पे जो हमारे सिंपल डायोड होते हैं वो भी है, ठीक है। तो ये जो है मुझे ₹1 का एक पड़ा था, तो ₹5 के 5, और ये भी ₹5 के 5, और ये भी ₹1 का 1 जो डायक है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है सिंपल मुझे ₹15 के ये पड़ गए हैं सारे, ठीक है। तो आप जो है ₹1 का 1 आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए उसके बाद दिखाता हूँ मैं और क्या लेके आया हूँ। और तो सब कुछ खत्म हो गया मुझे लगभग ऐसा लग रहा है। हाँ तो एक बिट और लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, जो कि सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बारीक बारीक सोल्डरिंग करना चाहते हैं कहीं पे, तो आप जो है बारीक वाला ले सकते हैं, और अगर आप मोटी करना चाहते हैं तो मोटा भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये मुझे पड़ी है ₹30 की बिट पड़ी है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इस तरह से इन सभी को ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ गाइज, आप जो है इनको ऑफलाइन ही परचेज करें तो अच्छा है, आपको थोड़ा डिस्काउंट वहाँ से मिल सकता है। वरना अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाइज ये थी मेरे पार्ट्स की लिस्ट, मैंने कहाँ से खरीदे, कितने प्राइस हैं, और आपको अगर खरीदने हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, जानी मानी मार्केट है, आप अगर गूगल पे सर्च करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे कुछ लोग उस पर जाते भी होंगे, अगर जाते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, बताना मुझे कि हाँ भाई हम भी वहाँ लेने के लिए जाते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बस गाइज आज जो है ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मैंने आपको सारे डिटेल दे दिए कहाँ से कंपोनेंट खरीदता हूँ, कितने के मिलते हैं। अब मुझे एक बात कमेंट करके और बताना कि मैं जो है ज़्यादा के तो खरीद के नहीं आता हूँ, मतलब कि ये जो है मुझे ज़्यादा के तो नहीं मिल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो बस गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।